हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सिंघम 3 एंड भूल भुलैया 3 में जो फाइट थी भाई, वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि स्क्रीन की लड़ाई कमाल हो गया भाई। देखो, ये तो मैं एक्सपेक्ट भी करके नहीं बैठा था कि दोनों के दिलों में इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए घृणा होगी, इतनी नफरत होगी भाई। यहाँ पे ना भेजा फ्राई होने वाला है। ये वही दिन आता हुआ दिख रहा है जो हमने पहले देखा था, डंकी और सलार जैसा। भाई साहब, ये होने वाला है क्लैश। जो भी है सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन के बीच में स्क्रीन की जो लड़ाई है भाई, वो तेज़ी से होती दिख रही है। भूल भुलैया 3 को अनिल थडानी जैसे मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे जो एक साथ मिल रहा है, वो काफ़ी कमाल का, और वो एक बेहतर से बेहतर डील यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। जबकि आगे के रुझानों में देखा जाए कि भूल भुलैया 3 को सिंघम अगेन के साथ में लगभग बराबरी का प्रदर्शन मिलने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। जबकि देखा जाए एक इंडिया, मतलब इंडिया में देखा जाए कि सिंघम अगेन का हिस्सा ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से इंडिया में जिस तरीके से उसकी एक फैन फॉलोइंग देखने को हमें मिल रही है ना सिंघम की, भाई वो ज़्यादा है। पीवीआर और आईनॉक्स में लगभग पीवीआर और आईनॉक्स में 60-40 का यहाँ पे एक अनुमान रखा गया है। मतलब जो पीवीआर और आईनॉक्स है उसमें सिंघम को 60% शोज मिलेंगे, एंड जो भूल भुलैया है उसको 40% मिलेंगे। एंड यहाँ पे सिनेपोलिस जो है, सिर्फ सिनेपोलिस में उसमें सिंघम को मिला है 55% एंड भूल भुलैया को मिला है सिर्फ और सिर्फ 45% का। अभी सिंगल स्क्रीन अलग है। अब शुरुआती समय में, क्योंकि अभी देखो 4 दिन बाकी हैं और बड़े जो खिलाड़ी यानी कि अपने सिंघम अगेन जो है भाई, वो एक यानी कि और भी ज़्यादा इस डील को बड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अब भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमें और भी ज़्यादा शोज मिले, क्योंकि आगे जाके ये एक राष्ट्रीय स्तर पर सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के लिए शोकेजिंग का अनुपात 54 और 46 हो जाएगा। यानी कि सिंघम का 54 एंड यहाँ पे भूल भुलैया का 46 ये होगा। और ये आगे जाके दोस्तों, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी 4 दिन बाकी हैं, मतलब ये है कि रिलीज से 1 दिन पहले तक हमारा जो आंकड़ा है वो इतना तो हो ही जाए। जबकि भूल भुलैया 3 के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर ये आंकड़ा 46% भी पहुंच जाता है तो। लेकिन जैसा कि मैंने आगे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शुरुआती दिन है और सिंघम अगेन का जो एक वितरक बड़ी डील हासिल करने की बातचीत कर रहा है, मतलब जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक बड़ी डील हासिल करने की, और भी ज़्यादा बड़ी डील, यानी कि आप ये समझ लो कि सिंगल स्क्रीन पर भी इनकी नज़र है। और देखा जाए कि पूरे इंडिया लेवल पर सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के लिए 57 और 43 का प्रदर्शन अनुपात की कोशिश की जा रही है। यानी कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, पूरे इंडिया में सिंघम अगेन पे जो कोशिश की जा रही है वो की जा रही है 57% हमें शोज मिले, और भूल भुलैया को कोशिश की जा रही है 43%। यानी कि अगर सिंघम 57% हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भूल भुलैया 3 के लिए 43 ही होगा, समझ के चलो। एंड यहाँ पे जो अपना गुरुवार है, मतलब थर्सडे वाले दिन, इन दोनों फिल्मों के बीच के शो को सटीक यहाँ पे बंटवारा मिल जाने वाला है, शोज़ का क्लियर हो जाएगा गुरुवार वाले दिन के भाई क्या क्या होने वाला है। भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग कुछ सेंटर्स में शुरू हो चुकी है, जबकि सिंघम अगेन की बुकिंग के बारे में अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो लगभग 3 राष्ट्रीय श्रृंखलाओं यानी कि पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस से लगभग 52 करोड़ नेट का यहाँ पे कलेक्शन आने की संभावना है। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सिंघम अगेन की, और वो भी सिर्फ पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस की। जबकि सिंगल स्क्रीन पर बात करूँ तो लगभग कारोबार में लगभग 48 करोड़ का योगदान लग रहा है। यानी कि आप लोग समझ के चलो कि जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सिंगल स्क्रीन पे 48 करोड़ एंड पीवीआर, आईनॉक्स एंड सिनेपोलिस पे 52 करोड़, तो ये दोस्तों यहाँ पे देखने को लग रहा है। तो इस हिसाब से ये मूवी कितना आगे निकलने वाली है भाई, देखो ये एक बहुत बड़ा क्लैश होने पे लग रहा है। दिवाली 2024 वीकेंड के लिए एक बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए 57.43 के विभाजन में सिर्फ 3 श्रृंखलाओं में सिंघम अगेन को 30 करोड़ और भूल भुलैया 3 को 22 करोड़ मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। यानी कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, टोटल जो पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस का यहाँ पे कलेक्शन आएगा दोनों फिल्मों का मिला के,
वो यहां पे 52 करोड़ का आ सकता है। एंड अब आओ सिंगल स्क्रीन में, तो सिंगल स्क्रीन में डे वन का दोनों फिल्मों का मिला के 48 करोड़ का आ सकता है। और अब यहां पे दोनों को अगर डिवाइड करो तो यहां पे जो हो रहा है वो डे वन का हो रहा है 57.43% के हिसाब से, यानी कि 57% शोज अगर सिंगम को मिलेंगे और 43% शोज अगर भूल भुलैया को मिलेंगे टोटल ऑल इंडिया के, तो यहां पे सिंगम का 30 करोड़ बन रहा है एंड भूल भुलैया का बन रहा है 22 करोड़। तो ये आप जरा ध्यान में रखना। एंड यहां पे देखो एक बात और है, सिंगल स्क्रीन और यहां पे अदर जो विभाजन है कौन कौन से नेशनल चेन जो है मतलब पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि 53.47 का रहने की संभावना है, जिसमें सिंगम अगेन लगभग 26 से 30 करोड़ की यहां पे जो है अपनी एक जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। यानी कि जिस तरीके से अगर यहाँ पे 57 और 43 का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये लगता है अगर ये कोशिश करते हैं कि 57 और 43 हो जाए, लेकिन अगर 57 और 43 नहीं होता है तो इनका ये भी कहना है कि हमें यहाँ पे 53 और 47 पे डन करना पड़ेगा। यानी कि ये पहले वाली बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी 57/43, 57 सिंगम का 43 भूल भुलैया का, ये कोशिश की जा रही है। अगर सिंगम वाले इसमें कामयाब नहीं होते और अगर ये 53/47 रहता है तो यहाँ पे सिंगम की जो कमाई होगी डे वन की इंडिया से नेट 26 करोड़ की हो सकती है एंड यहाँ पे भूल भुलैया की 22 करोड़ हो सकती है। ये मैं नेट आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी देखो यहाँ पे एक बात और है, सिर्फ लड़ाई 5 करोड़ की जो है कलेक्शन ज्यादा पाने की है, तो भाई सिर्फ 5 करोड़ की बात नहीं है, यहां पे बातें और भी ज्यादा आगे निकल गई हैं। ऑल इंडिया लेवल पे सिंगम अगेन की कुल एक दिन की जो क्षमता है वो यहां पे बताई जा रही है कि 54 से 58 करोड़, ये एक अनुमान है लोगों का, जिस तरीके से बताई जा रही है कि 54 से 58 करोड़ के बीच में इसकी कमाई हो सकती है, जबकि भूल भुलैया 3 की हाउसफुल क्षमता जो है 44 से 46 करोड़ के बीच हो सकती है। ये सिर्फ एक आइडिया है कि डे वन में भूल भुलैया 3 44 से 46 करोड़ कर सकती है, जो कि एक अंतिम बात है कि भूल भुलैया 3 ने एक बेहतरीन डील प्राप्त की है जिसमें पुष्पा 2 के साथ में एक पैकेज डील का भी लाभ मिला है। इस हाई प्रोफाइल टकराव में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर की ताकत एक बहुत ही बड़ा योगदान कर रही है, और जिस तरीके से पुष्पा 2 को लेके यहां पे एक डील फाइनल हुई है और डिस्ट्रीब्यूटर ने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है कि अगर आप हमारी भूल भुलैया 3 चलाते हो तो हम आपको यहां पे अपना पुष्पा 2 का एक 30 फीट का कटआउट देंगे। तो यहां पे शुरुआती रुझानों को ध्यान में रखते हुए सोमवार से गुरुवार तक दोनों और शोकेसिंग में बदलाव होता रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहेगा, जिस दिन मूवी रिलीज होगी उसके बाद कुछ नहीं हुआ, यानी कि गुरुवार तक ये चीज़ें होती रहेंगी। और शुक्रवार को दोनों फिल्मों के जो शो हैं भाई वो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के आधार पर वीकेंड के लिए भी शोकेजिंग में बदलाव होंगे, यानी कि जिस दिन मूवी रिलीज होगी ना उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जो रिव्यूज़ होंगे, सिर्फ रिव्यूज़ के आधार पर ये लोग वीकेंड में तय करेंगे कि किस मूवी को ज़्यादा शो देने हैं। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि ये जो गाड़ी है वो किस तरफ जाती है, पब्लिक किस तरफ यहाँ पे जो है जाती है, सिंगम अगेन पे या भूल भुलैया पे। मैंने आपको दोस्तों एक बात बताई है, मैं खुल के आप लोगों को अब बहुत ही कम शब्दों में बताता हूँ कि इस टाइम पे जो एक आइडिया लग रहा है, जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं वो यहाँ पे आइडिया लगा के चल रहे हैं कि 54 से 58 करोड़ के बीच में सिंगम डे वन में करेगी एंड 44 से 46 करोड़ करेगी भूल भुलैया। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अभी शोज़ हैं यहाँ पे लगभग अभी जिस तरीके से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि 57/43 हो, तो 57/43 अगर होता है तो यहाँ पे 30 करोड़ डे वन की लगभग सिंगम की होगी, और अगर इससे कम होती है तो 26 करोड़ होगी, और ठीक उसी तरीके से 43 में अगर भूल भुलैया होती है तो 22 करोड़ होगी, और अगर 43 से भूल भुलैया 47 पे आ जाती है तो 26 करोड़ होगी। तो यहाँ पे अभी ये सीन चल रहा है, लेकिन जो इन्होंने 54 या 58 करोड़ बोला है जिस तरीके से क्रिटिक्स ने, तो यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि और हमें स्क्रीन मिले। तो जिस तरीके से अगर सिंगम की शोज बढ़ते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली भूल भुलैया के शोज जो है वो डाउन हो जाएंगे। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों ही मूवीज़ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना भाई, वो यहाँ पे पूरी कोशिश में लग गए हैं। यानी कि आज तो दिन निकल गया है मंडे, यानी कि कल से ना ये दोनों मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब, आप ये समझ लो कि सिंगल स्क्रीन और पीवीआर आइनॉक्स में ही सोते हुए दिखाई देंगे। आप ये क्लियर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे क्लैश हो रहा है, क्योंकि भाई दोनों ही मूवीज़ बॉलीवुड से है, कोई साउथ से नहीं है, दोनों ही मूवीज़ बॉलीवुड से हैं और दोनों
ही मूवीज देखो एक अच्छे खासे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की हैं, टी सीरीज की, फिर यहाँ पे रोहित शेट्टी प्रोडक्शन, इसमें रिलायंस जुड़ा हुआ है, जियो जुड़ा हुआ है, आप ये भी देखो अपना सिंगम के साथ में, तो दोनों ही जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ पे भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंबानी जी को सीधा आना पड़ेगा और यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, तो मुकेश अंबानी को भाई साहब यहाँ पे बुला लिया जाए। तो नीचे कॉमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है और यहाँ पे आप किस मूवी को सबसे पहले देखना चाहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।